अस्सलाम वालेकुम सबको, हमारी तरफ से और हमारी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो आज ईद का फर्स्ट डे है, तो सब लोग कैसे हो भाई? हम तो बिल्कुल ठीक है। और ईद का पहला दिन अमूमन रिवायत के मुताबिक बोरिंग डे होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोर डे होता है, क्योंकि चांद रात मनाने के चक्कर चक्कर में ना लोग पूरी रात सोते ही नहीं, तो ईद के दिन सोते रहते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, ईद का पूरा दिन आज हम लोगों ने सुबह तक, हम लोग 10 बजे तक जगे हैं हम लोग, और सोए नहीं हम लोग, फिर सुबह सोए और ये सुहाना का हेयर कलर। तो आज हम कहीं गए भी नहीं है, तो इसीलिए हम गए नहीं है और रेडी भी नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले तो सुहाना का हेयर कलर देख लो, सुहाना का हेयर कलर कैसा लग रहा है। तो फिलहाल लोगों को दूसरी बात ये कि ये देखें वॉलपेपर रेडी हो चुका है। देखें ये हमारा वॉलपेपर रेडी हो चुका है जी, कैसी लग रही है मेरी ये वॉल, ये देखें ऑटो स्वान ऑटो। और ये देखें हमारे सोफा सेट, तो इसके ऊपर हमने कवर किया हुआ है। कल इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में मैं ना वीडियो बनाऊंगी ना, तो फिर आप लोग को बिना कवर के हटाऊंगी। तो ये हस्बैंड का ड्रेस, जो कि शलवार कमीज पहनते नहीं है, नमाज पढ़ने गए थे तो आके उतार दिए। और ये देख लें ये ईद की सुहाना ड्रेस, बता तो ये सुहाना की ईद की ड्रेस है। सुहाना खड़ी होके बता, ये सुहाना की ईद की ड्रेस थी जो कि आज पहनी ही नहीं। तो बहुत अच्छा दुख हुआ इसको, ये सुहाना का था। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरी ड्रेस थी जो कि ऐसे कपड़े सुबह से आयरन करके रखे हैं, मगर हमारा कहीं जाने का हुआ ही नहीं। ये सुहाना की ईद की ड्रेस थी और ये मेरा ड्रेस था। तो ये काफी ज्यादा ना, जैसे कहते हैं ना मनुष्यत वाली ड्रेस है, कसम खुदा की जब जब ना मैं पहनने का तय करती हूँ ना, तब तो पहनना भी नहीं जाता है। बस ये है कि ड्रेस का इनर मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने तो कहा मेरा बस चले मैं तो सिर्फ इनर उठाऊंगा। की सेटिंग पहले जो सोफा थे ना, हमारे हस्बैंड ने एक सोफा यहाँ रखा था तो दूसरा यहाँ रखा हुआ था। फिर ना बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे, तो मैंने अभी सोफा हटा के ना जो यहाँ रख दिया, तो अब बस एक टेबल लाना बाकी रह गया था, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रैफिक थी, टेबल के लिए जा रहे थे तो जा नहीं पाए। और ये सोफा पे कवर लगा दिए ना बच्चों की सेफ्टी के लिए, कि बच्चे यूज भी कर पाए, सोफा ना खराब भी ना हो। झूला जो के ना सोना रुक जाए, झूला मैंने बाहर सेंट में रख दिया कि बच्चे ना यूज करते रहे, तो मैंने झूला सेंट में रख दिया, बच्चे यूज भी करते रहेंगे और ठीक है, कमरा ज्यादा यूज नहीं होगा। और ये देखे मैंने चुप चेंज कर दिया है। और ये देखे इसे भी मैंने वेस्ट में से वेस्ट बनाया है, तो ये भी लंबी काफी ज्यादा थी ना, आते जाते ना तो काफी ज्यादा वो होता था। तो ये सब हो गया, और बाकी इतना सारा सामान भी ले आए थे लाए में, मैं न्यू लेंस भी ले आई ईद के लिए। तो बाकी के जो दो बच्चे हैं वो तो ईद मनाने के लिए गए नानी के घर, तो हमारी मनेगी कल ही। तो एक बार फिर से सबको ईद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो किस सबकी ईद कैसे गुजरी, किसने ईद सो के गुजारी, किसने क्या खाया, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और प्लीज मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके अल्लाह।